तो आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है चेहरे का लकवा जो होता है बेल्स पाल्सी के वजह से। मैंने अपनी पुरानी चैनल हेल्थ क्यू इंग्लिश चैनल जो है इसमें एक वीडियो बनाया था 21 एक्सरसाइजेस बेल्स पाल्सी के लिए, जिसमें लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिला। वो एक्सरसाइजेस कई लोगों को मददगार भी हुई, लेकिन उस वीडियो में काफी कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने ये भी कहा कि हम इस वीडियो को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है। तो ये वीडियो जो आज का है ये उन लोगों के लिए है जो हिंदी में इस वीडियो को देखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम मेघना है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अपने इस चैनल के जरिए से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों आज का ये एपिसोड या फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो 21 एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शायद थोड़ी दिखने में फनी लगे या फिर आपको हंसी आए, लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है इस प्रॉब्लम से जूझना। आप बहुत अच्छे हो और एक दिन अचानक से आपका चेहरा जो बहुत अच्छा था वो एक तरफ का चेहरा काम करना बंद कर देता है, उसमें वीकनेस आ जाती है, चेहरा एक तरफ मुड़ जाता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, एक घबराहट सी हो जाती है। लेकिन उन सारे लोगों को जो लोग आज बेल्स पाल्सी से जूझ रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी, प्लीज बिल्कुल घबराइए मत। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, वैसे ही बेल्स पाल्सी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है और आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, आपको जरूर मददगार साबित होंगी। तो देखते हैं ये कौन सी एक्सरसाइजेस है। तो दोस्तों ये जो पहली एक्सरसाइज है इसका नाम है फ्राउनिंग। इसमें आपको दोनों जो आपकी आईब्रोज है इसको ऊपर उठाना है। ये अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी एक उंगली की मदद ले सकते हो, जिसके साथ आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो और दोनों आंखों के जो भौवे हैं इसे ऊपर करो। ये जो दूसरी एक्सरसाइज है इसमें आपको आपकी दोनों आईब्रोज को जोड़ना है, साथ में लाना है और उसको लाने की कोशिश करना है सेंटर जो अपना फेस का होता है वहाँ पे। अगर आप एक साइड के आईब्रो को हिला नहीं पा रहे हो तो आप अपनी उंगली या फिर हाथ का मदद ले सकते हैं। तीसरी ये जो एक्सरसाइज है इसे फ्लेयरिंग ऑफ नोज कहते हैं। इसमें आपको आपके जो दोनों नाक है इसमें हवा भरना है। अगर आप एक तरफ के नाक से हवा नहीं भर पा रहे हो तो आप ये प्रक्रिया की सहायता ले सकते हो, जिसमें आप एक नाक को अपनी उंगली से रोक दो, दूसरे नाक से हवा जितनी ज्यादा हो सके उतनी भरने की कोशिश करो और जो दूसरी नाक है वहां से आप अपनी हवा छोड़ो। हो सके तो दोनों साइड से कीजिए ताकि आपकी जो दोनों साइड की जो मांसपेशियां है वो काम कर सके और आपकी जो पैरालिसिस वाली साइड है उसको भी एक क्यू मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि इसको मूवमेंट कैसे करना है। अगली एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको मुस्कुराना है। अगर आप एक तरफ से मुस्कुरा नहीं पा रहे हो तो आप अपनी उंगली की मदद लीजिए या फिर हाथों की सहायता लीजिए और पूरी तरीके से मुस्कुराने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज में आपको आपका पूरा मुंह खोलना है और तेजी से बंद करना है। अगर आप पूरी तरीके से एक साइड से नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जो नॉर्मल साइड है उस तरफ आप एक हाथ रख लो और जहाँ पे पैरालिसिस हुआ है उस तरफ दोनों उंगलियों से थोड़ा सा सपोर्ट देके आप अपना मुंह पूरा खोलने की और बंद करने की कोशिश करें। अगली एक्सरसाइज में आपको आपके जबड़े को साइड टू साइड मूव करना है, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। अगर आप एक तरफ नहीं मूव कर पा रहे हो तो आप अपनी हाथों की सहायता ले सकते हो। इस व्यायाम में आपको बोलना है ऊ और ई, ऊ ई, ऊ ई, ऊ ई। कमजोरी के कारण अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी उंगलियों की मदद ले सकते हो। उंगलियों की सहायता से आपको आपका मुंह पूरा बंद करना है और खोलना है और आवाज निकालनी है ऊ और ई। इस व्यायाम में आपको आपके दोनों होठों को अंदर की तरफ खींचना है। खींचते हुए थोड़ी देर इसी पोजिशन में रोके रहेंगे और फिर मुंह को फिर से अपनी जो नॉर्मल पोजिशन है उसमें ले आएंगे। इस व्यायाम के लिए आप एक पेन या फिर कोई लकड़ी या फिर चम्मच की सहायता ले सकते हो। चम्मच या फिर इस पेन को आप मुंह में पकड़े और अपने होठों की मदद से इस पेन को ऊपर और नीचे हिलाएं। पेन को हिलाने के बाद जो ये अगला व्यायाम है इसमें आपको आपकी जो पेन है इसको अपने दोनों होठों की मदद से रोक के रखना है और हाथों की मदद से ये पेन को बाहर खींचने की कोशिश करना है।
इस व्यायाम में हमें अपने मुंह के अंदर हवा भरनी है और फिर अपने दोनों होठों को साथ में लाके धीरे धीरे हवा बाहर निकालने की कोशिश करनी है। व्यायाम में हम आवाज निकालेंगे आ उ और ई। आ उ ई, आ उ ई, आ उ ई। इस व्यायाम में हम हमारी जो जीभ है इसको बाहर जितना ज्यादा हो सके खींचते हुए निकालेंगे और फिर मुंह के अंदर का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पे जो हमारी जो जीभ की जो टिप है उसे टच करेंगे। इस व्यायाम के लिए जो पेन या फिर चम्मच या फिर कोई लकड़ी की सहायता ले सकते हैं और इसको चेहरे से सटा के रखने के बाद जीभ से पेन को आगे की तरफ धक्का मारना है। अगले इस व्यायाम में जीभ की जो टिप होती है इसको नीचे वाले होठों से लगाएंगे और उसके बाद इस जीभ को पूरी अंदर की तरफ खींच लेंगे। इस व्यायाम में जो जीभ की जो टिप होती है या फिर आखिरी का नीचे का हिस्सा होता है इसको घसीटते हुए दांतों की जो अंदर की साइड होती है वहां पे हिलाएंगे। अब इस व्यायाम में जो जीभ की जो टिप होती है इसको जो हमारा मुंह है उसका जो कोना है जो दोनों होठ जहाँ पे मिल रहे हैं वहां के जो कोना है वहां पे इसको टच करना है दोनों तरफ से। इस एक्सरसाइज में हम जो जीभ है उसकी मदद से अंदर के गालों में सी शेप को फॉर्म करते हुए हिलाएंगे। जीभ को हिलाना है और सी का आकार बनाना है। इस एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों दांतों को जोर से दबाएंगे और दोनों होठों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खींचेंगे। ये जो व्यायाम है इसमें हमें बहुत ही तेजी और जोर से उबासी खानी है। इस व्यायाम में हम अपने दोनों होठों को अंदर की तरफ खींचेंगे जितना जोर से हो सके उतना। खिंचाव महसूस होना चाहिए होठों के ऊपर और नीचे की तरफ में। और इस आखिरी एक्सरसाइज में हम हमारे दोनों होठों को नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये थी 21 एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो अगर आपको बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये एक्सरसाइजेस काम आए और आप ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके जानकारी में हैं और जिन्हें ये बेल्स पाल्सी का प्रॉब्लम है। इसी बात पे मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। नमस्कार।